सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मैं यूरो तरफ फोकट की जानकारी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे पैकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आप अगर पैक करके मार्केट में सेल करते हो तो इस बिजनेस में कभी आपको मंदी देखने को नहीं मिलेगा। ये 12 महीना हर एक महीना ये प्रोडक्ट चलने वाला है। कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिस घर में ये प्रोडक्ट यूज नहीं होता हो। हर एक घर में सुबह शाम दोपहर दिन भर ये प्रोडक्ट लगभग यूज होता ही रहता है। किचन में यूज होने वाला प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा है और इसे पैकिंग करके किस तरह से आप महीने के लाखों रुपए से भी अधिक आप कमा सकते हो। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा वेट इसका है, क्योंकि इतना ज्यादा वेट है, आपको पता होगा कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है एक केडी है, जो बर्तन धोने के काम में आता है, जो है कि 25 से 30 रुपए में मार्केट में मिलता है और बर्तन धुलने के काम में आता है और डब्बे में पैक रहता है। तो आपको करना क्या है कि गत्ते का खरीदना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको गत्ते का खरीदना है। गत्ते का इस तरह से एक गत्ता खरीदने के बाद आपको मार्केट से जो है कि गोल वाला जो होता है कप तरह का कैप लगा होता है ऊपर से, उसको आपको खरीद करके इसे पैक करना है। अब बहुत से लोग होंगे जो खोजेंगे और वो मिलेगा नहीं, ठीक ना। तो मैं यहां पर आपको प्रॉपर एड्रेस दे रहा हूं कि आप कहां से जा करके उस पैकेट को खरीद सकते हो जिस जो प्लास्टिक में पैक होता है और इसे आपको रखना होता है, ठीक ना। और इसका एड्रेस टोटल में क्लियर एड्रेस देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका होलसेल पैकिंग बिजनेस करना चाहते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट से हम इस बिजनेस को शुरू करें तो बिजनेस तो शुरू कर पाओगे, बट इसमें बेनिफिट कम होगा, ठीक ना। अगर ज्यादा मात्रा में आपका प्रोडक्ट सेल होता है मार्केट में तो इसमें कमाई ज्यादा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको मात्र 12 रुपए कुछ पैसे पड़ेगा और इसे आप मार्केट में बहुत ही आसानी से आप बेच सकते हो 25 रुपए में, ठीक ना। 25 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेच सकते हो और होलसेल में इसे 18 रुपए में बहुत ही इजिली आप इसे बेच पाओगे। सो देखिए फ्रेंड्स, लागत वगैरह सब कुछ लेकर के आपका लगभग 13 या 14 रुपए में तैयार हो जाएगा और इसे मार्केट में आपको बेचना है 25 रुपए में, ठीक ना। एक पीस, अगर एक पीस बेचने पर 5 रुपए का बेनिफिट हो रहा है तो फ्रेंड्स, अगर एक गत्ता अगर आप बेच लेते हो, चूंकि एक गत्ता में टोटल आपका 48 पीस होता है, ठीक ना, इस तरह का 48 पीस टोटल आपको मिलेगा। अगर आप एक गत्ता बेच लेते हो तो यहां पर एक गत्ता बेचने पर 48 × 5 कर लीजिए तो लगभग 250 यानी 240 रुपए के करीब में यहां पर आपका बेनिफिट हो जा रहा है। एक गत्ता अगर एक दुकान पर बेचने पर 240 रुपए का बेनिफिट हो जा रहा है तो फ्रेंड्स, आप जोड़ लीजिए, अगर आप मान लीजिए मार्केट में जाकर के 10 गत्ता अगर आप सेल कर देते हो तो यहां पर लगभग 2500 रुपए का बेनिफिट आपका एक दिन में हो जा रहा है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाला आपको कहां मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग गोरखपुर से हो, ठीक ना, गोरखपुर यूपी के गोरखपुर जिले से हो तो आप लोग ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए साहबगंज मार्केट में चले जाइए और साहबगंज मार्केट में आपको ये थोक रेट पर मिलेगा, ठीक ना। एक गत्ता नहीं मिलेगा, कम से कम 5 गत्ता आपको खरीदना होगा, क्योंकि मैंने 5 गत्ता लाया है और 4 गत्ता मैंने अपने सेल्समैन को दे दिया और वो जाकर के अपना पैक करके बेच दिए हैं और यहां पर मैंने एक गत्ता लेकर के आपको वीडियो में समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप साहबगंज मार्केट से ये आप खरीद सकते हैं पूरा 5 गत्ता। 5 गत्ता से कम आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये पैकिंग वाला बिजनेस है, इसमें फ्रेंड्स एक गत्ता तो लोग देते ही नहीं है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये खरीद लेंगे आप लोग साहबगंज मार्केट से। और बात रहे कि वो डब्बा खरीदने के लिए, ये वाला डब्बा जिसमें आप पैक करके इसे सेल करेंगे, तो डिब्बा खरीदने के लिए आप लोग सामारू मार्केट में चले जाइए। सामारू मार्केट में आपको ये सारा जो है इसका फिलिंग वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, डब्बा मिल जाएगा और आप लोग सिंपल सा बोल दीजिएगा कि केडी पैक करने वाला जो जार चाहिए तो वहां पर आपको मिल जाएगा। दर्जन के हिसाब से मिलेगा और 2 रुपये 50 पैसा करीब उसका प्राइस होगा और आप उसे पैक करके लगभग 15 रुपये में आपका 15 रुपये नहीं पड़ेगा, 14 रुपये 50 पैसे में आपका तैयार हो जाएगा एक केडी और इसे मार्केट में बहुत ईजिली 25 रुपये प्रिंट करके आप सेल कर सकते हो। जो आप डब्बा खरीदेंगे उस पर कोई यहाँ पर लोगो नहीं लगा होगा, इस तरह का सेम इसी तरह का होगा, आपको पैक करना होगा, उस पर अलग से आप स्टिकर प्रिंट करके छपवा सकते हो और अपना एक नया ब्रांड दे सकते हो, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि इस बिजनेस में कभी आपको मंदी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर सोच रहे हो इस बिजनेस को करके कुछ मैं पैसा कमाऊं, तो फ्रेंड्स तुरंत जाइए इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। और फ्रेंड्स, बात रहे कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को कर सकते हो, देखिए फ्रेंड्स टोटल इसमें 48 पीस आता है और 48 पीस का प्राइस यहां पर आपको टोटल 500 रुपए पड़ जाएगा, 12 रुपए कुछ पैसा लगभग पड़ेगा अगर आप एक गत्ता खरीदते हो तब, और एक पीस का 12 रुपये 50 पैसा जोड़ लीजिए, अगर 12 रुपये 50 पैसे पड़ रहा है तो डब्बा का पैकिंग वगैरह सब कुछ लेकर के अगर आप देखेंगे तो 15 रुपये में आपका रेडी हो जा रहा है, 15 रुपये में रेडी हो जा रहा है और इसे आप मार्केट में बहुत ही इजिली
₹20 में या ₹18 में सेल कर सकते हो, और इसे रिटेल जो करता है वो ₹25 में इसे रिटेल करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप मार्केट में इसे पैक करके सेल करते हो तो आपको 3 या 5 रुपये अगर इसमें बेनिफिट हो रहा है तब भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक पीस तो सेल नहीं करेंगे, आप जब भी करेंगे तो गत्ता का सेल करेंगे। तो इस तरह से अगर आप गत्ता का इसे सेल करते हो तो एक गत्ता बेचने पर अगर ₹200 मान लीजिए अगर बेनिफिट हो रहा है तब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल इतना कंपटीशन का मार्केट है कि एक प्रोडक्ट बेचने पर 10 या 20 रुपए का मात्र बेनिफिट इस समय जो है लेकर के लोग सेल कर रहे हैं। और आप अगर इसे 200 रुपए प्रति गत्ता के हिसाब से अगर सेल कर रहे हो बेनिफिट लेकर के तो बहुत ज्यादा इनकम हो रहा है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।